नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मथुरा के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। यहाँ वही आते हैं जिन्हें कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। काशी महाकाल केदार और अयोध्या हो गया, अब मथुरा ब्रज क्षेत्र भी विकास में पीछे नहीं रहेंगे। ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, भरतपुर, करौली, अलीगढ़, कासगंज, बल्लभगढ़ सभी आते हैं। प्रयास है सभी सरकारों के साथ मिलकर काम करें। ये बातें गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में कही। पीएम मोदी ने कहा, क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाला। आजादी के बाद मथुरा, अयोध्या और काशी को जो महत्व मिलना चाहिए था वो दुर्भाग्य से नहीं मिला। आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता को नहीं त्याग सके। लाल किले से पंच प्रयाण का संकल्प लिया है, विरासत को संभाल रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, मथुरा तो श्यामा श्याम का धाम है, ब्रज की रज पूजनीय है। इसमें राधा रानी रमी है। विश्व की यात्रा का जितना लाभ होता है उतना अकेले ब्रज की यात्रा करने से मिल जाता है। मुझे माँ गंगा ने बुलाया और 2014 से आपके बीच आकर बस गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संत मीराबाई की 525वीं जयंती के जरिए ब्रज में आने का सौभाग्य मिला। मैं भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूँ। मीराबाई को नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूँ। हेमा मालिनी जी सांसद तो हैं, लेकिन वह ब्रज में रम रही हैं। वह खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार हैं। पीएम मोदी ने कहा, समारोह में आना एक और वजह से विशेष है। कृष्ण से लेकर मीराबाई तक का गुजरात से अलग ही नाता है। कान्हा मथुरा से जाकर ही द्वारकाधीश बने थे। मीराबाई ने भी राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में भक्ति की और अंतिम समय द्वारिका में गुजारा। मीरा ने कहा था, आली रे मोहे वृंदावन नीको, घर घर पौधा तुलसी को और दर्शन गोविंद देव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रज रथ उत्सव कार्यक्रम के दौरान मीराबाई की जयंती पर डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का जारी किया। यहां पर हेमा मालिनी ने भी अपनी एक प्रस्तुति दी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचकर दर्शन किए, उसके बाद पुजारी से प्रसाद लिया। पीएम के पहुंचने से पहले मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मीराबाई के मंदिर में भजन गाया। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।